नमस्कार दोस्तों, ज्ञान स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, हम में से यह बात सभी जानता है कि नींबू हमारे लिए कितना फ़ायदेमंद है। यह आपकी सेहत के साथ साथ यह आपकी खूबसूरती बढ़ाने में भी बहुत ही मदद करता है। लेकिन दोस्तों, नींबू का एक और गुण यह भी है कि यह आपको अन्य कई सारी मुसीबतों से बचाता है। यदि आपका कोई काम बिगड़ रहा है, यदि आपको कहीं के दाग धब्बे साफ़ करने हैं, तो उनके लिए भी नींबू बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो चलिए दोस्तों, हम जानते हैं कि नींबू का उपयोग करके हम ऐसे कौन कौन से काम कर सकते हैं जो कि आपको साफ़ सफाई के लिए बहुत ही मदद करेंगे। दोस्तों, रसोई में सबसे अधिक तो जो बदबूदार चीज़ होती है वह होती है किचन का कूड़ादान। सप्ताह में एक बार उसे साफ़ करके अंदरूनी हिस्से पर नींबू या ग्रेपफ्रूट का छिलका रगड़ दें। इससे जो आपका कूड़ादान है उससे बदबू आना बंद हो जाएगी। दोस्तों, केला, सेब, नाशपाती जैसे फलों को यदि बहुत का रस मिला दीजिए या फिर आप उन फलों को नींबू के रस में डुबोकर निकाल लीजिए। इससे फल ज़्यादा लंबे समय तक ताज़ा रहेंगे। साथ ही दोस्तों, आप नींबू का उपयोग यह भी कर सकते हैं कि सेब को उबालते समय उसमें 2 बूंद नींबू के रस की डाल दें, सेब काला नहीं होगा। साथ ही साथ आप नींबू के छिलकों को सुखाकर पीस लें और उसमें नमक मिलाकर बर्तन साफ़ करें। इससे आपके बर्तनों की चमक बढ़ जाएगी और बर्तन आसानी से साफ़ होंगे। दोस्तों, नींबू से आप और भी कई सारे काम कर सकते हैं, जैसे कि नींबू या नमक के घोल में से आप फर्नीचर को साफ़ कर सकते हैं। यदि आप नींबू के रस से फर्नीचर साफ़ करते हैं तो इससे फर्नीचर के सारे दाग धब्बे खत्म हो जाते हैं। साथ ही दोस्तों, सिल्क की साड़ी में चमक लाने के लिए आखिरी पानी में निकालते समय उसमें नींबू का रस मिला दें थोड़ा सा पानी में। इसके बाद आप साड़ी को निचोड़ें, आपकी जो साड़ी है उसकी चमक जो है वह बहुत ही शानदार हो जाएगी। तो दोस्तों, यह थे कुछ उपाय नींबू के रस के जिसे आप अपना सकते हैं और अपनी परेशानियों को कम कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की और जानकारियों के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाइए ताकि इसी तरह के वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास तक पहुंच सके।